गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनिता दत्ता फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट लाइनक्स ऑफ डिप्लोमा फिफ्थ सेम कंप्यूटर साइंस ब्रांच। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 6 स्टार्ट किया था, जो कि हमारा था इंस्टॉलेशन एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमने कैसे लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है, सुपर ब्लॉक, बूट ब्लॉक, आइनोड टेबल, डेटा ब्लॉक, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि हम हार्ड डिस्क को पार्टीशन कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें हार्ड डिस्क में विंडोज और लिनक्स दोनों चीजें यदि इंस्टॉल करनी है तो हम उसका पार्टीशन कैसे करते हैं और दोनों चीजें कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि इंस्टॉल कैसे करते हैं लिनक्स को। ठीक है, लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स दैट यूजर्स हैव अवेलेबल, मींस यूजर्स के पास कौन सा लिनक्स अवेलेबल है, कौन सा मीडिया, कौन सा हार्डवेयर उनके पास अवेलेबल है उनके कंप्यूटर में, ये देखना उनको पहले जरूरी है कि आपके पास कितना हार्डवेयर है, कौन से मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो भी इंस्ट्रक्शन आता है आप उसे अच्छे से रीड कीजिए। देन इंस्ट्रक्शन जो है, जब भी हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि हमें कुछ भी चीज इंस्टॉल करना रहता है तो उसमें उसका इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए कुछ कुछ भी चीज आता है, फोन आता है, तो फोन के साथ एक बुक आता है जिसमें कि क्या लिखा रहता है कि हम उस फोन को कैसे यूज करें, कैसे उस फोन की सारी चीजों को हम क्या क्या है उस फोन में, कौन कौन से उसमें फीचर्स है, ये सारी उस बुक में लिखा रहता है। सेम है, जब भी हमें लिनक्स को इंस्टॉल करना रहता है तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन का एक कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिससे कि हमें ये पता लग जाता है कि हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो करके लिनक्स को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं लिनक्स के, सबके सब में ही जो रहता है इंस्ट्रक्शन रहता है और बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस उसमें दिया रहता है जिसे कि आप रीड करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि हमारे कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे उस हिसाब से उसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ डिफरेंट वेज है जिससे कि आप लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यूनिक्स में भी यूज अ बूट फ्लॉपी कंटेनर लिनक्स कर्नल, मींस हम एक फ्लॉपी डिस्क से हम लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फाइल सिस्टम में। ठीक है, अपने फाइल सिस्टम में एक हम फ्लॉपी डिस्क से, यदि फ्लॉपी डिस्क में आ रहा है तो, जैसे पहले के टाइम पे फ्लॉपी डिस्क चलते थे जिसमें कि क्या होता था, फ्लॉपी डिस्क के तौर पे हमारा जो ये रहता था एक ब्लैक कलर का हमारा एक फ्लॉपी डिस्क रेक्टेंगल या स्क्वायर के शेप में आता था, उसमें हमारे पहले इंस्टॉल होते थे। ठीक है, तो हम उसे इंस्टॉल, उसे हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या सीपीयू में लगा के हम उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके फ्लॉपी ड्राइव के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स को। ठीक है, अब अभी के जो डेट पे है सीडी रोम, मीन्स जो आपका सीडी रहता है, सीडी के फॉर्म में भी आता है जिसमें कि आप सीडी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स डला हुआ रहेगा, आप उसे सिंपल सीडी को आप अपने लैपटॉप में अटैच करके इंसर्ट करके आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आपके पास पेन ड्राइव है या और कुछ चीजें है, मेमोरी कार्ड है, जिसमें भी आप लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके, मींस आप उसे बूटेबल बना के आप अपने किसी भी सिस्टम में आप लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, रेड हैट यूजर्स जो है वो भी हमको अलाउ करता है यूजर को कि वो सीडी रोम से डायरेक्ट इंस्टॉल कर ले लिनक्स को। ठीक है, तो ये लिनक्स इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव और पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, किसी के भी थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि अ लिनक्स सिस्टम नीड्स रियल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैंने बोलने का मतलब जैसे कि
आपके में जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, तो आपको ये पता, ये जानना रहता है कि वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है? उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, लॉगिन का नाम क्या है, ठीक है? अपग्रेड कर रहे हैं यदि हम सॉफ्टवेयर को, तो हम exe फाइल के थ्रू कर रहे हैं या कौन सी फाइल्स के थ्रू कर रहे हैं, वो मल्टी यूजर लिनक्स सिस्टम है क्या, ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल रहता है। मीन्स चीजों को अपडेट करने के लिए, चीजों को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर है, वो मल्टी यूजर है कि नहीं है, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो हमारे रहती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ठीक है? वो ये सारी चीजें देखता है कि उसमें कौन लॉगिन कर रहा है, उसमें कुछ अपडेट चाहिए क्या, उसमें और किसी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, तो ये सारी जो चीजों को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास में होती है, ठीक है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो और किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, जैसे कि न्यू यूजर सेटअप जैसे रहते हैं, तो उसके लिए कोई भी टर्मिनल या वर्क स्टेशन यदि आपको इंस्टॉल करना है या रिमूव करना है, प्रिंटर सेटअप करना है, डिस्क या बैकअप फाइल्स चाहिए हमको, ठीक है? हमें यदि इंस्टॉल या सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, शट डाउन करना है, तो ये नेटवर्क एक्टिविटी, जिस भी चीज से हमको यदि हमको नेटवर्क एक्टिविटी चाहिए, तो ये सारी चीजों के लिए जो है हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है? हर कंप्यूटर में, हर मींस, आप कोई सा भी विंडोज यूज करें, ठीक है, विंडोज यूज करें या लाइनेक्स यूनिक्स, आप जो भी यूज करें, सब में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जिसे उसे फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क क्या है एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए, ठीक है? यदि आपको मेंटेन करना है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास कौन कौन से कॉमन टास्क होते हैं जिसे उसे मैनेज करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है? पहले, सबसे पहले होता है कि हार्डवेयर को कॉन्फिगर करना, ठीक है? यदि हमारे पास रेड हैट से लाइनेक्स कंप्यूटर है या कोई सा भी लाइनेक्स है हमारे पास, तो हमें उसे मेंटेन करना पड़ेगा, उसके जो भी हमारे टूल्स होंगे, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, वो सारी चीजों को हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसके जितने भी परमिशन है, ठीक है, कि कौन से फाइल के पास कौन सी परमिशन है, ये सारी चीजों को जो है कॉन्फिगरिंग हार्डवेयर, ठीक है, तो इसके थ्रू हमको एडमिनिस्ट्रेटर को मैनेज करके चलना पड़ेगा। देन आता है मैनेजिंग फाइल सिस्टम एंड डिस्क स्पेस, ठीक है? मैनेजिंग फाइल सिस्टम एंड डिस्क स्पेस बोलने का मतलब जितने भी फाइल में कौन से फाइल में कितने स्पेस है, ठीक है? यदि हमें और स्पेस चाहिए क्या उसमें, या स्पेस कुछ फ्री करना है हमें, और यहाँ पे यदि लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीपल यूजर्स द्वारा शेयर हो रहा है, तो ये सारी जो उसके जितने भी फाइल सिस्टम है और उसकी डिस्क में जितने भी स्पेस है, वो सबको मैनेज करने का जो हमारा सबको मैनेज करने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ये सारी चीजें भी मैनेज करनी पड़ती है। देन हमारा थर्ड आता है मॉनिटरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है? सिस्टम के परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करना, मींस आपका सिस्टम स्लो तो नहीं हो रहा है, यदि स्लो हो रहा है तो यदि वहां पे कौन क्यों स्लो हो रहा है, किस कारण से आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो रहा है, ठीक है? सीपीयू और मेमोरी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है इसलिए स्लो हो रहा है, या और कोई कारण है, ये सारी चीजें को मॉनिटर करना, ठीक है? सिस्टम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, जो इस चीज को मेंटेन करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? देन आता है कीपिंग सॉफ्टवेयर अपडेट, टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट करना, ठीक है? टाइम टू टाइम हमें यदि सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। देन अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रोल ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का क्या क्या रोल रहता है? देखिए, अभी हमने पहले ही जाना कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के को क्या क्या चीजें उसमें मेंटेन करनी पड़ती है, क्या क्या चीजें उसे एक्सेस क्या क्या उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वही है, यहाँ पे भी वही सारी चीजें पॉइंट्स में लिखी हुई है, ठीक है? तो
ऐसे कुछ कमांड्स होंगे जो कि सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ही द्वारा रन कर हो सकते हैं, ठीक है। कई फाइल में ऐसे परमिशन एक्सेस होंगे जिसको कि सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही वर्क कर पाएगा, ठीक है, और कोई उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कैन सर्च एनी डायरेक्टरी एंड क्रिएट एनी फाइल इन और रिमूव और फाइल फ्रॉम एनी डायरेक्टरी। यदि आपका सिस्टम है तो उसके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप ही हुए, आप उसमें कुछ भी डिलीट करें, कुछ भी इंस्टॉल करें, सारी चीजें के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? आप ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। जिसका भी सिस्टम होगा वही सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसे टाइम टू टाइम अपडेट करना, मेंटेन करना, ये सारी चीजें किसके द्वारा होगी? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ही द्वारा की जाएगी, ठीक है। वो कहीं से भी कोई सा भी फाइल क्रिएट कर सकता है, कोई सा भी फाइल डिलीट कर सकता है। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ये हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहती है, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। सेटअप करना, जैसे हमें यदि अकाउंट कोई सेटअप करना है उसके लिए, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, सिस्टम में जो भी पेरिफेरल वर्क्स कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उस चीज के लिए भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मेंटेन रहता है। यदि कहीं हार्डवेयर फेलवर हुआ तो उसको हम क्विकली रिपेयर कर ले उस हार्डवेयर को, ठीक है। मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम के परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना कि सिस्टम हेल्दी है कि नहीं, वो कहीं स्लो परफॉर्मेंस तो उसका नहीं हो गया, कहाँ पे क्या एरर है, ये सारी चीजें भी रिस्पॉन्सिबल रहता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। देन फाइल सिस्टम यदि क्रिएट करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या बैकअप रिकवरी पॉलिसी चाहिए, या फिर आपको नेटवर्क कम्युनिकेशन को मैनेज करना है, ठीक है। अपडेट यदि आपके पास, देखिए जैसे कि विंडोज में भी क्या होता है आपके पास, जैसे कि विंडो 8.1 आपके पास है, तो बीच में क्या हुआ था आपने यदि ध्यान दिया होगा तो विंडोज में ही जब हम अपडेट करते तो उसमें हमको दिया था कि विंडो 10 यदि आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए वो आया था, या फिर जो भी टाइम टू टाइम जो भी सिस्टम को अपडेट चाहिए, ठीक है। तो ये वैसे ही सेम लिनक्स में भी होता है, लिनक्स में भी हमारे जो भी सिस्टम अपडेट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको टाइम टू टाइम अपडेट करने का भी मीन्स आपके सिस्टम को, आपके वर्जन जो है भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसे भी टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सिक्योरिटी, हम कोई सिक्योरिटी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए, कोई भी यदि हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उन सारी चीजों के इम्प्लीमेंट के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ही रोल रहता है और वही इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन यूजर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूजर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब, लाइनक्स सिस्टम में यूजर कैसे मैनेज करता है चीजों को, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे कि हम यदि नए यूजर्स को ऐड करना है या डिलीट करना है तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती है, ठीक है। तो देखिए, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन डू थ्री बेसिक थिंग्स विथ अ यूजर अकाउंट। दे ऐड न्यू यूजर, डिलीट यूजर्स, एंड दे मे एक्सेस पैरामीटर्स ऑफ एग्जिस्टिंग यूजर्स, ठीक है। जो लिनक्स का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो तीन चीजें कर सकता है, ठीक है। एक तो वो यूजर को ऐड कर सकता है, एक तो यूजर को डिलीट कर सकता है, ठीक है, और एक क्या कर सकता है कि पैरामीटर एक्सेस कर सकता है जो भी एग्जिस्टिंग यूजर है ना। जैसे मान लीजिए मैं वर्क कर रही हूँ किसी और के कंप्यूटर में, तो वो क्या कर सकता है, वो उस सिस्टम को पैरामीटर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, कि वो पैरामीटर में सेट कर सकता है कि वो कौन कौन सी चीजें एक्सेस कर सकता है और कौन कौन सी चीजें एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यूजर के द्वारा मैनेज की जाती है, ठीक है। लाइनेक्स में जो मीन्स जो यहाँ पे रेड हैट आ रहा है, लाइनेक्स में वो क्या करता है कि वहां पे जो भी सिस्टम के पास जितने भी परफॉर्मेंस है उन सारों को कैसे मैनेज किया जाए, ये सारी चीजें वो असाइन करता है, ठीक है, कि हर के लिए डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट सेट करना, असाइन करना, ये सारी चीजें जो है यूजर्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। TCP/IP के द्वारा हम यदि अकाउंट एक्सेस करना चाहे, है ना, ये सारे अकाउंट के थ्रू, यदि नॉर्मल लॉगिन करना है हमें, मेल अकाउंट से यदि हमें एक्सेस करना है, तो ये सारी चीजों के लिए यूजर द्वारा इन सारी चीजों को मैनेज किया जाता है, ठीक
ठीक है, न्यू यूजर को ऐड करने के लिए तीन मेथड है, ठीक है। तो उससे पहले जो है हमारा डायरेक्ट मेथड, हम डायरेक्ट एक यूजर को हम अपना लैपटॉप या सिस्टम दे दे कि वो सीधा पासवर्ड हम उसे दे दे कि वो सीधा कंप्यूटर यूज कर पाए, ठीक है। सेकेंड आता है यूजिंग यूजर ऐड, ठीक है। यूजर ऐड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कमांड के द्वारा हम यूजर ऐड करके हम एक नए यूजर को उसमें ऐड कर सकते हैं। थर्ड आता है यूजिंग न्यू यूजर्स। न्यू यूजर कमांड के द्वारा क्या होता है कि डायरेक्टली जो है वो न्यू यूजर को एक बैच, ठीक है, एक टाइम के लिए वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है, वो सिस्टम को। देन आता है डिलीटिंग यूजर। डिलीटिंग यूजर के लिए भी हम डायरेक्ट डिलीट कर दें, ठीक है, जिस यूजर को हमने ऐड किया था उसे हम डायरेक्ट डिलीट कर दें तो भी हो सकता है, ठीक है। डिलीटिंग विद कमांड, कमांड के थ्रू, जैसे कि यूजर डिलीट माइनस आर हैरी, ठीक है, माइनस आर आपका ऑप्शन है, हैरी जो भी यूजर है, और यूजर डिलीट के द्वारा क्या हो रहा है, हैरी नाम का जो यूजर है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी यूजर को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। इन सारी कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चीजों को ऐसे ही ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं कि हमारे यूजर्स के द्वारा ही जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या जो एक मेन यूजर रहता है उसके थ्रू ही ये सारी चीजें की जाती है, ठीक है। अब हम इसके आगे के जो हमारे टॉपिक्स है उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।